तो नेक्स्ट थियरी, पहला थियरी हम लोग ने कौन सा देखा, ऑक्टेट रूल, उसका क्या मतलब था? एट ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक शेल, यस, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा क्या, यस, दूसरा क्या, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं हुआ, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्सपांडेड ऑक्टेट एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए नेक्स्ट थियरी कौन सा देखा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास क्या है, यस, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो वी हैव व्हाट, ओवरलैप। यस, तो यहां पे तो ये अगला पेज आया, यस, हियर, तो दिस इज व्हाट, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसिडर द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हालांकि इसके बाद देखना है हम लोग को, तो ऐसा ज्योमेट्रीज देखना है हम लोग को, बी एफ टू का लीनियर ज्योमेट्री, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, मीथेन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पीसीएल फाइव का ट्राइंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री, एसएफ सिक्स का ज्योमेट्री। तो ये सब ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन रिपल्शन, बेस्ड ऑन व्हाट, रिपल्शन, रिपल्शन के बेसिस पे। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, ये फाइव स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो एक एक करके हम लोग सब स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले हम लोग बी एफ टू का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बी एफ टू का स्ट्रक्चर कैसा है, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा था, किसी को याद है? लीनियर, बेरिलियम और एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन, ये समझाइए, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर था। ये कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर 180 डिग्री एंगल, ये समझाइए। फिर BF3 का हम लोग ने बनाया, बोरॉन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। एंगल्स कितना कितना है, BF2 में कितना एंगल है, बोरॉन 120, BF2 में 180 है और BF3 में 180 और 120, तो 180 डिग्री है। बेरिलियम फ्लोराइड में कितना एंगल है, 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना है, 120, समझाइए। तो बेरिलियम फ्लोराइड में 180 और बेरिलियम फ्लोराइड में, यस, 120, ओके। तो ये एक एक करके हम लोग सब स्ट्रक्चर देखेंगे, तो लेट अस सी दिस स्ट्रक्चर वन बाय वन इन डिटेल। जैसे दिख रहा है सबको, हाँ, है ना, यस सर, यस के। तो बेरिलियम फ्लोराइड से हम लोग चालू करते हैं स्ट्रक्चर देखने का। पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे, दैट इज बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड का कैसा स्ट्रक्चर है, थ्री के बदले टू लिख दिया, टू के बदले थ्री लिख, ओके। तो बेरिलियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो बेरिलियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैसा था, मैंने क्या बताया था, लीनियर, लीनियर, ओके। बेरिलियम फ्लोराइड नहीं दिख रहा इधर, नहीं रहेगा फिर शायद, ओके। तो बेरिलियम फ्लोराइड का लीनियर स्ट्रक्चर, इसमें किसी को डाउट है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा बेरिलियम फ्लोराइड का जैसे नीचे दिखाया, बीच में बेरिलियम, बाजू बाजू में फ्लोरिन, समझाइए। जैसा XeF2 स्ट्रक्चर है लीनियर, वैसा दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ओके। तीनों एटम्स, बेरिलियम, फ्लोरिन और फ्लोरिन, तीनों कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैं दिखा देता है, यस, एनोटेट करके, तो ये देखो, ये बीच में बेरिलियम, ये एक फ्लोरिन, ये दूसरा फ्लोरिन, ऐसा स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, समझाइए, यस, तो लाइक दिस, बेरिलियम, फ्लोरिन, फ्लोरिन। अगर ये हटाया मैंने, कैसा दिखेगा, अगर क्लियर कर दिया, ये एक फ्लोरिन, नीचे ऊपर कैसे होगा, तब तक नीचे ऊपर नहीं होगा, यस, अभी देखो, अभी दिख रहे हैं हम लोग। तो बीच में मान लो बेरिलियम, और आजू बाजू में कौन है, फ्लोरीन, 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 दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। बेरिलियम फ्लोराइड का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ओके, तो लीनियर स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऐसा क्यों होगा, पहले तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, इस फ्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल, रिपेल, कितना एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री, 180 लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर कौन सा देखेंगे, BF3, कौन सा देखना है, BF3,
BF3 का स्ट्रक्चर। तो बेरिलियम नहीं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जैसे BF3। तो BF3 का मैंने क्या बताया था, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल 120 डिग्री एंगल। यस, तो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा, देखो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। So this is trigonal planar structure of BF3. Okay. Boron बीच में होगा, fluorine आपस में triangle बना रहे हैं, और बीच में angle कितना आ रहा है? 120, 120, 120. दिख रहा है ये? ये 120 yes. degree, ये भी 120 degree, ये भी 120 degree. ये वापस hybridization में भी हम लोग देखेंगे एक बार. Okay. Hybridization में अलग तरह से सोचेंगे, यहाँ पे अलग तरह से सोचेंगे. यहाँ पे क्या सोचा मैंने? कि ये fluorine और ये fluorine. तीनों फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? रिपेल। और रिपल्शन की वजह से एक ऐसा ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बोलो। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। Yes, valence shell electron pair repulsion theory. Okay. तो ये हम लोग का ऐसा theory है, Vesper theory. Okay. Yes, यहाँ पे angle कितना होगा? 120. 120. And 120. 120. Is it all clear? Yes. Yes. Okay. फिर इसके बाद हम लोग कौन सा molecule देखेंगे? Methane, CH4. कौन सा molecule? Methane. जैसे दिख रहा है screen? आया ना, screen दिख रहा है क्या? Yes. Yes or no, जल्दी बोलो। Yes sir. Yes. Okay. Yes. Methane आया अभी। Okay. तो methane का कैसा structure है? Tetrahedral structure. Tetrahedral. Structure is tetrahedral structure. Okay. यहाँ पे tetrahedron बनेगा। इस तो tetrahedron का shape हम लोग देख रहे हैं 3D में। Okay. तो this is tetrahedral structure. नीचे किया थोड़ा सा, आपके अच्छे से देखता है। Okay. तो tetrahedral shape बन रहा है। Yes, और एंगल कितना बनेगा इधर? 109. ये तो 109 एंगल। ओके, तो दिख रहा है सबको ये? तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यस। अब टेट्राहेड्रल नाम क्यों दिया इसका, वो भी देख लेते हैं हम लोग। फोर फेसेस है इसलिए। फोर फेसेस। यस, फोर फेसेस है इसलिए हम लोग ने क्या नाम दिया? टेट्राहेड्रल। ओके। एग्जैक्ट शेप हम लोग कहां देखेंगे? वैलेंसी के हिसाब से। वेल, वेस्पर थ्योरी। सर। हां बोलो। सर, एंगल जो मॉलिक्यूल में एंगल होता है उसको फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है? Yes, तो उसका फॉर्मूला है हम लोग के पास, कोसाइन रूल है। क्या है? कोसाइन रूल। ओके, तो कोसाइन रूल हम लोग करेंगे तो वहां पे होगा, समझे? कोसाइन रूल हम लोग वेक्टर्स में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर्स में हमारे पास कोसाइन रूल है। तो cos a = b² + c² - a² / 2bc में लिख के बताता है। यस, मैथमेटिकली हम लोग के पास कोसाइन रूल होता है। क्या होता है? इस तरह से cos a is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc. ये cosine rule use करके हम लोग ये a angle को निकाल सकते हैं। कितना? 109 degree point, 109.5 degree. समझे? Yes. Mathematically ऐसे निकालेंगे, पर ये 12th standard vectors में आएगा। 12th standard vectors में हम लोग के पास होगा। Okay. इस तो तब निकालेंगे हम लोग tetrahedron में कैसे angle आता है। Okay. इस फिलहाल को सिर्फ देख लो। ये 109 डिग्री, 109.5 आया ना? Yes. और टेट्राहेड्रन क्यों बोला? क्योंकि देखो ये टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है, है ना? Yes. ये जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। दिख रहा है ये? देखो बन गया कि नहीं? तो दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है? कौन सा शेप है ये? Yes. टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है ये? टेट्राहेड्रल। Yes. और देखो इसमें एंगल कितना बन रहा है? 109. और इसको चाहिए तो घुमा के भी देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल्स को। देखो ये 3D में घूम रहा है। Yes. Yes, तो 3D में हम लोग देख पा रहे हैं ये घूम रहा है। कितना एंगल बन रहा है, जल्दी बोलो? 109.5. क्लियर है? Yes. हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट क्या बोलेंगे? 109। और ये ऐसा भी दिख सकता है, ये बीच में कार्बन है, आजू बाजू में हाइड्रोजन से, व्हाइट कलर में हाइड्रोजन, ब्लैक कलर में कार्बन, ग्रे कलर में। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और टेट्राहेड्रल शेप देखना तो ये क्लियर है? Yes. देखो ये टेट्राहेड्रल शेप आएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रन बन जाएगा, चार फेसेस हैं।
यस यस तो मीथेन हो गया। फिर मीथेन के बाद नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम लोग, अमोनिया। तो अमोनिया मॉलिक्यूल दिख रहा है सब, है ना। यस अमोनिया का स्ट्रक्चर में एक लोन पैर था, याद है सबको, एक लोन पैर है बीच में, एक लोन पैर, समझे। तो यहाँ पे बीच ऊपर एक लोन पैर आएगा और आजू बाजू में हम लोग क्या दिखाएंगे, तीन हाइड्रोजन के बॉन्ड दिख रहा है। ये लोन पैर को गोल्डन कलर से दिखाया ऊपर, तीन हाइड्रोजन व्हाइट कलर में और ब्लू कलर में नाइट्रोजन दिख रहा है, ब्लू कलर में नाइट्रोजन। यस सर, ऊपर एक लोन पेयर गोल्डन कलर में आएगा और नीचे हाइड्रोजन हम लोग ने व्हाइट कलर में दिखा दिया। ये लोन पेयर दिख रहा है गोल्डन कलर में, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, दो टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और देखो ये स्पिन करके दिखा रहा है, घूम रहा है, घूमते हुए दिख रहा है। कितना एंगल है, 160। 106.7। अब ये एंगल कम क्यों हो गया, देखो पहले टेट्राहेड्रल में कितना एंगल था, 109.5। टेट्राहेड्रल में मैथमेटिकली कितना एंगल आना चाहिए कोसाइन रूल से, कोसाइन रूल 109.5, 109.5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 106.7, मतलब 107 के आसपास है ना। यस यस तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि लोन पे बॉन्ड पे लोन पेयर है रिपल्शन। ऊपर, लोन पेयर है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है मतलब क्या है, ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, दो यस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, थोड़ा अलग कलर से दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन नंबर वन, ये इलेक्ट्रॉन नंबर टू, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे। बॉन्ड पेयर मतलब ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भी होता है ना, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, यस ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए एंगल कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, समझ में आया। रिपल्शन यस के कारण, रिपल्शन के कारण ये एंगल कम हो जाएगा, समझ में आया। यस यस वापिस नहीं समझा तो वापिस देखो, ये देखो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत रिपेल करते हैं और ये बॉन्ड पेयर के उतने रिपेल नहीं करते, तो ये ज्यादा रिपेल होगा, ये ज्यादा रिपेल होगा तो ये बॉन्ड कम हो जाएगा, 107 डिग्री, समझ में यस आया। यस वापिस एक बार चाहिए तो देखना, तो देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर उतना कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज नहीं है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, पर ये कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज नहीं है, समझे। तो इसीलिए लोन पेयर जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है, ये कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इस बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को, तो रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड कम हो एंगल जाएगा, कम हो जाएगा। 160 डिग्री हो जाएगा, 109 के बदले कितना हो जाएगा, 107, समझाइए। तो कौन सा रिपल्शन यस हो रहा है यहाँ पे, कौन सा रिपल्शन हो रहा है, लोन पे बॉन्ड लोन पे पेयर, रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसके कारण ये एंगल कम हो गया। तो देखो वेस्पर थ्योरी में क्या होता है हमारे पास, वेस्पर थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, वेस्पर थ्योरी में बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कैसा है, कम। कम उससे कम कौन है, लोन, उससे ज्यादा कौन है, लोन पेयर बॉन्ड, लोन पे बॉन्ड पे उससे ज्यादा कौन है, लोन लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पे लोन पेयर, लोन लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम और बॉन्ड पेयर सबसे कम। अब देखो पिछले एग्जांपल में CH4 में हमारे पास लोन पेयर था ही नहीं, क्या CH4 में हमारे पास लोन पेयर था, नो सर, ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखो CH4 मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ पे सब बॉन्ड पेयर है, मतलब सब कोवेलेंट बॉन्ड्स है, यहाँ पे सब क्या है, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो देखो कहीं भी देख लो, हर एक में कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा तुम्हें, हर एक में हम लोग को क्या दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको एनोटेट करके दिखा रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, चार कोवेलेंट बॉन्ड, समझे, कार्बन, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे कौन सा रिपल्शन हो रहा है, बॉन्ड पे रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्लियर है। तो इसीलिए यस बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण यहाँ पे क्या है, रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं है, इक्वल रिपल्शन, तो इसलिए टेट्राहेड्रल शेप हो गया, देखो यस और नो। यस अब इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं अमोनिया, अमोनिया में एक लोन पेयर भी है, यस और नो, यस तो लोन पेयर दिख रहा है हम लोग को, एनोटेट करके बताया, 13 लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है, यस और नो, गोल्डन कलर में दिखा था कि नहीं, यस ये तो दिखा दो वापिस, 13 लोन पेयर, ओके। तो यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो रहा है, तो ये ज्यादा रिपल्शन होगा, मैंने क्या बताया था वेस्पर थ्योरी में, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम, उससे भी कम कौन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन।
लोन पेयर, लोन बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोन पेयर है ऊपर और नीचे क्या है, बॉन्ड पेयर, इधर भी बॉन्ड पेयर, ठीक है। इनका रिपल्शन के कारण ये एंगल कम हो गया, कितना हो गया, 160 डिग्री, समझाइए। और इसीलिए टेट्राहेड्रन थोड़ा सा टिल्टेड वाला है, इसलिए इसको ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बोल दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट शेप कौन सा देखेंगे, H2O। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम लोग, H2O। अब H2O का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, H2O में ऑक्सीजन, H2O में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। लेकिन उसमें से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसा दिखेगा, 2.6। 2.6। ऑक्सीजन का कैसा दिखेगा, 2.6, तो 2.6। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। वन हाइड्रोजन का एक इधर क्रॉस से दिखाया, दूसरे हाइड्रोजन का क्रॉस, तो इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और ऊपर दो लोन पेयर, कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर, टू लोन पे। बेंजीन एक पैर इधर एक पैर इधर, दो लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो इसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दो लोन पेयर दिखेंगे, कितने लोन पेयर दिखेंगे, दो टू लोन पे। लोन पेयर। तो इसके स्ट्रक्चर अगर मैंने बनाया, चलिए ये एनोटेट हटा देता है, तो ये रहा, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, दिख रहा है। यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन और ज्यादा होगा कि नहीं, यस ये एक लोन पेयर इसका रिपल्शन और ये दूसरा रिपल्शन लोन पेयर उधर आएगा उसका रिपल्शन, तो दो दो लोन पेयर है, तो दो दो लोन पेयर रिपल्शन करेंगे, तो यहाँ भी रिपल्शन होगा, यहाँ भी रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड और भी कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये बॉन्ड जो है कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये और भी कम हो जाएगा, क्लियर है ये। बॉन्ड यस थोड़ा घुमाते हैं हम लोग इसको, जैसे देखो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड का वैल्यू और भी कम हो जाएगा, यस कितना है, 105 डिग्री, कितना हो गया, 105। 105, क्लियर है ये। ये यस लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड कैसा हो गया, 105 डिग्री के आसपास। लोन पेयर इतना रिपल किया कि क्या, ये बॉन्ड एंगल कम हो गया, क्लियर है ये। किसी यस को डाउट है इसमें तो बोल दो जल्दी से, नो सर। नहीं तो यहाँ पे कौन सा रिपल्शन हो रहा है, जल्दी बताओ। लोन पे एंड लोन पे बॉन्ड पे। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर मत बोलो, लोन पेयर रिपल्शन, ये गोल्डन गोल्डन देख लो दोनों, देखो मैं यहाँ पे इनको स्टॉप करेगा तो तुम्हें समझेगा। यस ये देखो, ये लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, स्टॉप हो गया, देखो यस सर, 104.5। ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर एक दूसरे को इतना रिपेल किया कि ये बॉन्ड इधर जो है ये कैसा हो गया, कम हो गया, 105। इनका रिपल्शन इतना बढ़ गया लोन पेयर का कि ये बॉन्ड कैसा हो गया, कम हो गया, 105, क्लियर है ये। यस यस तो ये हम लोग का समझा H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, क्लियर। यस यस ये तो H2O कैसा है। फिर इसके बाद H2O के बाद कौन सा देखेंगे हम लोग, PCl5। एक मिनट ही हटा देता है एनोटेशन, PF5 ले लो, PCl5 ले लो, एक ही स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम जैसा ही है। तो PF5 फास्फोरस और 5 फ्लोरीन एटम्स है, मेरे में ऑक्टेट रूल में भी बना के बताया था, यस और नो। इसका स्ट्रक्चर यस ऐसा दिखेगा लाइक दिस, इसमें 3 फ्लोरीन इक्वेटर में है, तीन तीन फ्लोरीन कहाँ है, इक्वेटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन, जो ब्लू कलर में दिख रहा है, आया ना, तो यस बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्ले। और ऊपर जो है इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन, ये रेड कलर में दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल, दिस इज एक्सियल पोजीशन, ऊपर और नीचे ये कौन है, एक्सियल पोजीशन। अब ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो ये अर्थ है मान लो, तो अर्थ में बीच में क्या होता है, इक्वेटर इक्वेटर, तो यहाँ भी बीच में कौन है, इक्वेटर, और ये क्या होता है, एक्सिस, तो इसीलिए ये क्या पोजिशन है, एक्सियल पोजिशन, ये समझा। यस बीच में ब्लू कलर में क्या दिखाया, इक्वेटर, और ऊपर और नीचे क्या दिखाया, एक्सियल, एक्सिस तो समझ में आया ये पूरा, एक्सियल यस इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको जोड़ दे तो हम लोग को ऐसा दिखेगा, क्या दिखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हम लोग ने कौन सा शेप बनाया था, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, बीच में ट्रायंगल है, देखो बीच में ट्रायंगल है, हाँ है ना, यस ट्रायंगल के ऊपर एक एटम है, नीचे एक एटम है, हाँ है ना, बीच में यस ट्रायंगल के ऊपर एक एटम है, नीचे एक एटम है, और ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे एक पिरामिड बन रहा है, देखो 3D में पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं, हाँ है ना, यस शेप दिख रहा है ना, और नीचे अगर देखेंगे तो ये भी, अगर नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है ना, यस ये देखो ये एक पिरामिड,
तो ऊपर भी एक पिरामिड है, नीचे भी एक पिरामिड है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे? दो पिरामिड बन रहा है, इसलिए बाय पिरामिडल। बाय मतलब क्या? दो। बाय मतलब क्या? दो पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ये PFI का स्ट्रक्चर हमको समझा, PFI फॉस्फोरस और पांच फ्लोरिन। ऐसा ही सेम PCl5 का होगा कि नहीं? सेम, यस। तो सेम PCl5 का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। और ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना दिया इसने? क्योंकि बीच में कौन है? बीच में कौन सा आइटम है, जल्दी बता। फॉस्फोरस। और आजू बाजू यहाँ पे पांच कौन है? फ्लोरीन। यस, ये फ्लोरीन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उसकी वजह से ऐसा शेप बन रहा है। फ्लोरीन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा शेप बन रहा है। समझ में आया? यस। रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के कारण ऐसा शेप बन गया। और इसको घुमा के भी देख सकते हैं हम लोग, चाहिए तो देखो, तो घुमा के ऐसा दिखेगा। और इसको मान लो अगर स्पेस फिल करना है तो पूरा स्पेस फिल होकर ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास PFI। कौन सा ये? PFI स्टिक्स के हिसाब से देखे तो ऐसा। यस, तो दिस इज PFI स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट इज इसके बाद SF4 स्ट्रक्चर। कौन सा? SF4। तो SF4 का कैसा है? तो हमारे पास SF4 में सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? सीसॉ। विल हैव विच स्ट्रक्चर, जल्दी बोलो? सीसॉ स्ट्रक्चर। तो आ गया ये SF6 बाद में बनाते हम लोग। इसके बाद हम लोग ने लिखते समय SF6 बना रहे। और ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? सीसॉ स्ट्रक्चर। और इसको सीसॉ नाम दिया है, तो देखते हैं। एक तो लोन पेयर है इसके ऊपर, है ना? एक क्या है? Yes. और ये देखो, ये ऐसा ऐसे अगर मैंने रखा तो सीसॉ जैसा दिखता है, है ना? Yes. अभी दिख रहा है सीसॉ जैसा, है ना? Yes. ये सीसॉ जैसा दिख रहा है कि नहीं? Yes. नीचे Yes. इधर एक तुम बैठ सकते हो, इधर मैं बैठ सकता है, और नीचे ये सपोर्ट है। नीचे क्या है? सपोर्ट, समझे? ये सीसॉ स्ट्रक्चर। ऐसे फोर का कैसा स्ट्रक्चर है? सीसॉ। हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, वैसा ही जैसा SF5 में था, सेम। पर एक जगह पे क्या आएगा? लोन पेयर। लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। ये लोन पेयर दिखाया ना? यस। पिछले स्ट्रक्चर जैसा ही है जो SF5 बनाया था। ये सॉरी, SF5 नहीं, PF5। PF5 बनाया था, वैसा ही स्ट्रक्चर है, सेम। बीच में फॉस्फोरस और बाजू में पांच फ्लोरिन थे। यहाँ पे क्या है? बीच में सल्फर और आजू बाजू में चार फ्लोरिन, और एक पिरामिड का जो एक कॉर्नर है उस पे क्या आएगा? लोन पेयर। क्लियर है? यस यस। तो ये PF5 स्ट्रक्चर होगा। अब PF5 के बाद में कौन सा करेंगे? SF6 या CLF3 कर लेते। ये भी सेम है, CLF3 भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो CLF3 स्ट्रक्चर बना है। तो CLF3 भी जैसा ये है वैसा ही है, देख लो, एक बार देख लो, सीसॉ टाइप ही बन रहा है कि नहीं? यस यस यस। ये देखो नीचे किया तो क्या, तो ऐसा ही सीसॉ जैसा बन गया, देखो दिख रहा है, आया ना? Yes. रोटेट करेंगे तो सीसॉ जैसा ही दिखेगा थोड़ा बहुत, पर एक इसका ये पैर नहीं है सीसॉ में। सीसॉ में एक पैर नहीं है, ऐसा सोच सकते। क्लियर है? और उस पैर के जगह पे क्या आ गया? लोन पैर। देखो ये भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, पर दो कॉर्नर्स पे कौन है? दो कॉर्नर्स पे लोन पैर। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं। दिख रहा है? यस यस। दो लोन पेयर है, और इसको थोड़ा घुमाएंगे तो ज्यादा समझेगा। देखो दो कॉर्नर पे लोन पेयर है, दिख रहा है? एक कॉर्नर ये और दूसरा कॉर्नर ये वाला, यहाँ पे लोन पेयर है, बाकी बीच में क्लोरीन और आजू बाजू तीन फ्लोरीन, है ना? यस। बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, पर दो कॉर्नर पे कौन आएगा? लोन पेयर। इसीलिए गोल्डन कलर में हम लोग ने देखा कि लोन पेयर दिख रहा है। यस और नो? Yes. So this is ZLF3 structure. तो इसको 3D में हम लोग घुमा भी सकते हैं। इधर गया। Yes. Control लिया। Rotate कराओ। Control लो। ये spin करके दिखाएं। Yes or no? Yes. Okay.
यस, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, जो SF6 हम लोग ने बनाया है, SF6 स्ट्रक्चर। इससे SF6 हमारा लास्ट स्ट्रक्चर आ गया इस थ्योरी का, SF6 पे। तो SF6 में कैसा है, यस, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर बायपिरामिडल। क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बायपिरामिडल या स्क्वायर बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। बीच में स्क्वायर बन रहा है एक तरह से, दिख रहा है बीच में स्क्वायर यस है, स्क्वायर जैसा अगर तुम्हें एनोटेट करके दिखाओ तो दिखेगा, ये स्क्वायर बन गया और ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन और इसको जोड़ दिया हम लोग ने से, तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा नीचे एक पिरामिड बनेगा, है ना। यस तो देखो इसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एनोटेशन आता है तो ये दिखेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वैसा ही है जैसे यस पहले था, वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन क्या है यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर, उसमें ट्रायंगल बन रहा था पिछले PF5 में, यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, स्क्वायर, दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है और ऊपर एक फ्लोरिन नीचे एक फ्लोरिन, बीच में स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है स्क्वायर, दिख रहा है, हाँ है ना। यस सर, और स्क्वायर के एंड कॉर्नर में कौन है, फ्लोरिन, और बीच में कौन है, सल्फर। सल्फर, तो देखो कहाँ कहाँ है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ स्पिन बन किया तब दिखेगा एनोटेशन करके, बीच में सल्फर और फ्लोरीन, ऊपर नीचे एक और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे एक एक फ्लोरीन, ये स्क्वायर के कॉर्नर्स पे फ्लोरीन है, ये बीच में स्क्वायर बन गया, यस और नो। यस तो ये SF6 स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, SF6, इसको ऑक्टाहेड्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 8 फेसेस है, कितने फेसेस है, 8 फेसेस, गिनो अच्छे से, देखो स्पिन करेगा तो गिन सकता है, कितना फेस दिख रहा है, ऊपर 4 और नीचे 4, तो 8 फेसेस है, इसीलिए कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इज इट ऑल अंडरस्टूड, यस, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके। तो ये वेस्पर थ्योरी पूरा समझ में आया, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी वाज मेनली टू यूज व्हाट, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यस, क्या बोला इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंसी शेल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल, समझे। और ये वेस्पर थ्योरी किसने दिया, मेनली जो साइंटिस्ट है उसका नाम है सिडविक, कौन सा साइंटिस्ट है, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन, इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया हम लोग ने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया, यस, कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, या मान लो क्या, कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छे से शेप नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेनली शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शेप के लिए ही था लेकिन शेप उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि टेट्राहेड्रल शेप ही क्यों बनेगा, ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग ने ये वेस्पर थ्योरी को भी क्या कर दिया,